आते हैं, भैया आए हैं। ये रहे शॉप, देखते हैं हमें किस शॉप पे चलना है। अब हम आबू लैंड पे चले, आबू लैंड रास्ता है, चलिए सामने दिखाते हैं। रुको जरा, सबर करो। एक दोस्त की शादी है और उसको कोट पैंट लाने चलते हैं, तो पहले जैकेट पहन लेते हैं क्योंकि शाम का समय हो रहा है। तो जैकेट पहन लिए, अब चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं मेरठ में बेगम पुल। अगर आपने नहीं देखा है तो आज देख लोगे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। A few moments later. तो जिस दोस्त की मैं बात कर रहा था, वह ये रहा, अंकित नाम है इसका, और इसी की शादी है। तो चलिए जल्दी से जल्दी चलते हैं बेगम पुल और फिर कपड़े लेते हैं। और आप भी देख के बताइएगा कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे। तो चलिए आगे का ब्लॉग शुरू करते हैं। अब गाड़ी चलते हैं, भैया आए हैं, भैया के साथ चल भाई। अंकित बैठ। अब चल रहे हैं हम बेगम पुल की ओर। तो अब गाड़ी पार्क कर दी है और पार्किंग से अब सीधा दुकान पे चलते हैं। पूरा ये पार्किंग एरिया है, जब भी आप आए तो यहाँ गाड़ी ज़रूर पार्क करें, क्योंकि भीड़ भाड़ से बचे रहोगे और गाड़ी भी आपकी सुरक्षित रहेगी। ये आगे आगे चल रहे हैं और मैं पीछे चल रहा हूँ। तो दुकानें शुरू हो चुकी है, दुकानें भी लग रही हैं। ये बेगमपुर की शॉप शुरू हो चुकी हैं। सामने मेन रोड है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये मैन चोपला है बेगमपुल का। ये बेगमपुल मार्केट है। ये रहे शॉप, देखते हैं हमें किस शॉप पे चलना है। ये रही दुकान ही दुकान है। चलिए इस शॉप पे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कोट पैंट। बने रहे वीडियो से, चलिए अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं। यहाँ पे तो काफ़ी मल्टीपल कलर हैं, देखते हैं कौन सा पसंद आता है। इतने पीस खुलवा दिए हैं और दूसरी दुकान भी चेंज कर दी है। फाइनली दो सेलेक्ट कर लिए हैं, अब इनकी बिलिंग करा लेते हैं और फिर चलते हैं। मस्त प्लान है। बहुत टाइम लग गया सेलेक्ट करने में, फाइनली हो तो गए हैं। अब चलते हैं, थोड़ा कुछ खाएंगे पियेंगे फिर घर को निकलते हैं। तो चलिए आप मार्केट घुमाते हैं आपको, मार्केट में चलते हैं अंदर। चलिए अब शूज लेते हैं, बेसमेंट में चलना होगा। अब आ चुके हैं जूतों की शॉप पे, हम जूते देखते हैं, भैया दिखा रहे हैं। 150 रुपया देगा। चलिए शूज सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं। अभी बहुत सामान लेना है। हम बेगमपुर पे आ चुके हैं, बेगमपुर का मैन चौपला है। रात हो चुकी है। नहीं तो ये बेगमपुर का चौपला है। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे इस समय, काफ़ी शॉपिंग हो गई है। जल्दी से जल्दी सब कुछ सामान खरीद ले तो अच्छा रहेगा। अब हम आबू लैंड पे चले, आबू लैंड रास्ता है, चलिए सामने दिखाते हैं। ये आबू लैंड मार्केट है। पैदल बहुत सारा मार्केट घूम चुके हैं और अभी और भी मार्केट बाकी है।
अंदर चलते हैं और अंदर चल के शॉपिंग करते हैं। अब आ चुके हैं पैंट और शर्ट खरीदने। चलिए शॉपिंग होगी और लेके अब चलते हैं। और अगर कम कम समझ में आता है तो आपको कोई सॉक्स वगैरह ऐड कर देंगे। शॉपिंग करने में बहुत टाइम लग गया और अभी गांव भी जाना है, काफ़ी टाइम हो चुका है। जब हम मेरठ आए थे बेगमपुर उस समय टाइम 4 बज रहे थे और अब टाइम हो चुका है 7:30 और अभी घर जाने में और 1 घंटा लग जाएगा। घर वाले भी इंतज़ार कर रहे होंगे जल्दी से जल्द शॉपिंग समाप्त हो जाए। यार शादी की बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी पड़ती है। आप भी अपने दोस्त की शॉपिंग कराने कभी गए हैं तो आपको पता होगा। एक घंटा और हो चुका है घूमते घूमते, अब लग रहा है शायद घर जाना हो सकता है। फाइनली शॉपिंग पूरी हो चुकी है और अब आ चुके हैं पार्किंग एरिया में। अब गाड़ी पे पहुंचते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। गांव में जाना है भाई, बहुत दूर है गांव, यहां से 13-14 किलोमीटर लगभग गांव पड़ता है। चल भाई अंकित जल्दी जल्दी, गाड़ी कहाँ पर पार्क कर रखी है, गाड़ी किस जगह पार्क है और आगे चलना पड़ेगा। ये भी नहीं है, सबसे लास्ट में ही चलना पड़ेगा दोस्तों। फाइनली गाड़ी पे आ गए, अब सामान रख देते हैं जल्दी जल्दी। चल भाई अंकित जल्दी जल्दी सामान रख दे यार, चलो बहुत लेट हो गए, आज तो घर पे जाके पिटाई हो जाएगी। चलिए बैठते हैं, तो अब चलते हैं यार, गाड़ी में आ चुके हैं। भैया बैठ चुके हैं इधर, अंकित बैठा हुआ है। तो खान दवाई वाई खा ली, अब आपने खाना वाना खा लिया। Ha ha ha!